नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गार्डनिंग संसार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आप सीखते हैं किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो एल्सम ब्लू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एल्सम ब्लू के सीड्स हैं, कुछ इस तरह के होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के सीड्स होते हैं फ्रेंड्स। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे और बेहद ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स। यदि आप नहीं देखे हैं इसके फ्लावर्स, तो ये स्क्रीन पर रहा, आप देख सकते हैं। इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण होते हैं फ्रेंड्स। तो इसे आज हम लोग जर्मिनेट करने वाले हैं फ्रॉम सीड से। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम लोग सॉइल मीडियम बनाते हैं, ये किस तरह का सॉइल में ग्रो करता है। चलिए बनाते हैं इसका सॉइल मीडियम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोकोपीट है, इसे हम लोग 80% रखेंगे नाप के अनुसार, नॉट वेट के अनुसार। यानी वजन से आप नहीं, सिर्फ किसी चीज़ से नाप से आप इसका 80% रखेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्मी कुलाइट है, ये हम लोग को 10% रखना है। और ये देखिए, ये है आपका परलाइट, और ये थोड़ा सा हम लोग इसमें बॉन्ड मील मिलाएंगे। इसमें फास्फोरस की मात्रा और कैल्शियम की बहुत होती है, जो सीडों को जर्मिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग को थोड़ा सा चाहिए। यदि आपके पास बॉन्ड मील नहीं है तो आप अंडे का छिलके का चूर्ण बना लें, पूरा बारीक पीस लें और उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसे अब हम लोग मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद, ये देखिए मैंने इसमें इसे फिलअप कर लिया हूँ। अब ये एल्सम का ब्लू का सीड्स लेंगे। ये देखिए सीड्स लेंगे और इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही बारीक से सीड्स होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम लोग फ्रेंड्स ओनली फॉर कोकोपीट लेंगे। ये देखिए, ये कोकोपीट है, इसको मैंने पहले से ही मॉइस्चर कर लिया हूँ। यह भी बहुत बहुत मॉइस्चर है, इसे मैंने पानी डालकर पहले से ही इसे मॉइस्च कर लिया हूँ। अभी इसमें बहुत सारे मॉइस्चर है, इसीलिए मैं इसका ऊपर से वाटर नहीं डालूँगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, वाटर बर्दाश्त ज़्यादा नहीं करते हैं ये सब। तो फ्रेंड्स, इसे डाल लेने के बाद हल्के हल्के हाथों से कोकोपीट को बराबर कर लेंगे, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये बराबर हो गए हैं। अभी हम लोग इसको ऐसे जगह पे रखेंगे कि जहाँ पर सिर्फ सुबह का 1-2 घंटे के लिए धूप आती हो, बाकी सारा दिन वहाँ पे छाँ बनी हुई रहे। आप चाहें तो इसे पाई टंगी के नीचे या विंडो के साइडों पे रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने हुए रहे, मैं आपको इसका अपडेट दिखलाता हूँ, ये जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ में फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे 7/10/2020 को लगाया था एल्सम ब्लू। ये देखिए, आज 12 तारीख है, यानी कि आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखिए, 1-2 जर्मिनेट हो चुके हैं। ये पतंग है फ्रेंड्स, कीट पतंग। तो देखें फ्रेंड्स, ये 5 दिन बाद इसके 2 सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, बाकी के और सीड्स जर्मिनेट होंगे। तो मैं आपको इसका आगे का भी अपडेट दिखलाता हूँ, बने रहें इस वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज इसका 30वां दिन है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसे 7/10 को लगाया था, 7 तारीख 10वां महीना को, और आज है 8 तारीख, यानी कि आज ये 1 मंथ का हो गया है, यानी कि पूरे 30 दिनों का ये पौधा हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं, कितने अच्छे इसका ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका अपडेट है ये,
और यही सही वक्त है इसे बड़े से गमलों में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये मैंने 7 इंची का बैग है फ्रेंड्स, इसी में मैं इसमें शिफ्ट करूँगा इसे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ढीला करेंगे, हल्का ढीला करेंगे इस तरह से ढीला करेंगे फ्रेंड्स। और ये धीरे धीरे, ये देखिए इसकी रूट्स देखिए कितने अच्छे हैं। ये एक, ये रहा दो, ये तीन, और ये रहे चार। तो फ्रेंड्स, मैं इसे चारों को इसी में ग्रो करूँगा। देखिए इस तरह से गड्ढे पहले बना लेंगे, एक, और ये इसमें डाल देंगे। इसके फूल बहुत ही आकर्षण होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। ये रहा दो, ये तीसरा, और ये चौथा। फ्रेंड्स, इसका जो सॉइल मीडियम है मैंने बनाया है, इसमें मैंने रखा है 50% आपका मट्टी है, 30% इसमें कोकोपीट है, और आपका 10% इसमें मैंने सड़ा हुआ गोबर मिलाया है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप बर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और 10% मैंने इसमें रखा है बर्मी कुलेट और परलाइट, इसे मिश्रण बनाकर इसको लगा दिया है फ्रेंड्स। इस तरह की मिट्टी बहुत ही अच्छे होते हैं गमलों के लिए, आप भी इस तरह का मिट्टी बनाएं, बहुत ही हल्की होती है। ये देखिए ये लग गए, अब इसमें हम लोग को वाटरिंग कर देना है। ये देखिए इसमें हम लोग वाटरिंग कर देंगे, शावर की सहायता से वाटरिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब ये पौधे और कुछ बड़े हो जाएंगे तब इसमें हम लोग डालेंगे 19 19 19। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एल्सम के जो फ्लावर्स हैं इनके 1 मंथ हो गए हैं। 1 मंथ के बाद आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे से फ्लावर्स आए हैं, ये देखिए बहुत ही आकर्षण लगते हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखलाया बीजों का ग्रो से लेकर फ्लावरिंग तक। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे हैं, ब्लू कलर के हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें और शेयर कर दें अपने सारे रिश्तेदारों या फ्रेंडों के साथ। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए, ब्यूटीफुल भारत, ग्रीन इंडिया। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
him.